और नीदरलैंड्स ने आखिर वो करके दिखाया जी हाँ, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। आयरलैंड को 2-1 से उन्होंने सीरीज में मात दी है और कंप्लीट टीम एफर्ट, अगर आप नीदरलैंड्स का कहें तो गलत नहीं होगा, कंप्लीट टीम एफर्ट की वजह से आयरलैंड जैसे एक्सपीरियंस साइड को, जहाँ वो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बहुत बड़ी बात होती है। टेस्ट प्लेइंग नेशन दर्जा ऐसे ही नहीं मिलता, नीदरलैंड्स नहीं है, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस नीदरलैंड की रही है। सेकंड ओडीआई में जिस तरह से आयरलैंड ने विकेट लेता साथ दिया था नीदरलैंड बॉलर को, बिल्कुल वैसा ही आज बैटिंग नीदरलैंड्स ने की है। वो भी उसी तरह से खेल रहे हैं, सेफ खेल रहे हैं, स्टडी खेल रहे हैं और खेल रहे थे, और उसी के साथ उन्होंने फाइनली जाके मैच जीता और उसके साथ ही 2-1 से सीरीज भी जीती। उससे इम्पोर्टेंट जी हाँ, सीरीज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग के पॉइंट्स भी अपने नाम में किए हैं। जी हाँ, नीदरलैंड सुपर लीग में है तो उन्होंने अपने पॉइंट्स भी नाम किए, तो ये बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है नीदरलैंड्स की नजर से। अगर हम देखें ओवरऑल कंप्लीट अगर सीरीज की एनालिसिस करें तो बताएं आप कि नीदरलैंड की परफॉर्मेंस को आप क्या रेट करेंगे और आयरलैंड की परफॉर्मेंस को क्या रेट? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए आयरलैंड ने कहीं ना कहीं निराश किया है, बिल्कुल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा निराश किया है। ये परफॉर्मेंस आयरलैंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर, नीदरलैंड के मुकाबले तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, कहां पॉल स्टर्लिंग की बात करें, कहां स्टीफन माइबर्ग को देख लें, बिल्कुल प्लेयर है, क्रिकेटर है, बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के तौर पर तो आप आयरलैंड कहीं कोसों गुना आगे है। दूसरे मैच में जहां माफ कीजिएगा तीसरे मैच की बात करूंगी, यहाँ पे कम से कम 240 से 260 रन का स्कोर होना चाहिए था आयरलैंड को देखते हुए, लेकिन वो भी यहाँ हुआ नहीं, 200 से कोई भी टीम पहुंच ही नहीं पाई। बिल्कुल यही मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बैटिंग परफॉर्मेंस नीदरलैंड के खिलाफ तो सोचिए, अगर श्रीलंका या बांग्लादेश के खिलाफ आयरलैंड खेलेगी तो फिर उनका भी यही हाल है। आयरलैंड से यह ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं। जी हाँ, आयरलैंड का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा है। अगर इसे रेट करना हो तो बहुत ही एवरेज या फिर आप बिलो एवरेज परफॉर्मेंस कह सकते हैं। सामने की टीम को देखते हुए तो आपके पास काफी एक्सपीरियंस प्लेयर थे, इस परफॉर्मेंस का बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब अगर यहाँ बात करें नीदरलैंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में, जी हाँ, तो नीदरलैंड्स के मैंने आप जैसा मैंने आपको शुरू में बताया ये टीम एफर्ट था। जी हाँ, नीदरलैंड्स का ये पूरी सीरीज की बात करें तो टीम एफर्ट था, हर मैच में अलग अलग प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, कभी घुमटन ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, कभी सिमी सिंह ने कोशिश की कि वो मैच को क्लोज तक ले जाए जिताने की पूरी कोशिश की उन्होंने, कभी पीटर सिलार ने परफॉर्मेंस दी, कभी आज स्टीफन माइबर्ग ने शानदार इनिंग खेली और मैच को जिता ले गए। जी हाँ, और जहां तक बात है नीदरलैंड की, अगर जीत की अगर बात करें सीरीज में तो कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हुआ है। और आयरलैंड की बात करें तो सी यंग पॉल स्टिरलिंग के अलावा मुझे ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आया, जैसा आज ही चले हैं, वरना दो इंपॉर्टेंट मैचेस में भी उनका बल्ला खामोश था। जो नीदरलैंड्स की टीम एफर्ट में दिखा गए वो आयरलैंड की टीम में कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। इस जीत को आप मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या रेट करेंगे और कितना मायने रखता है ये नीदरलैंड्स को आयरलैंड को हराना? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जो ये पोस्ट डालेंगे नीदरलैंड जीता और निकल जाएंगे सुबह तक, लेकिन अगर कोई बड़ी टीम जीतती तो उसके बारे में काफी चर्चा होती, काफी बात होती, लेकिन ये छोटा मैच है, शायद किसी को देखा भी नहीं होगा, सब मूवीज और शोज देखने में लगे हुए होंगे। आपसे पूछना चाहूंगा कितनी अहमियत है इस मैच की और इस सीरीज जीत की नीदरलैंड की, जो आयरलैंड के खिलाफ जीते हैं उसके साथ यह बैंडिंग? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो पीटर सिलार को टीम दी गई है, बिल्कुल वो टीम नहीं है, इससे नीदरलैंड बहुत पॉजिटिव लेके जाएगा कि ये टीम नई टीम है, इस प्लेयर इस टीम में दमखम है, अब और दमखम होगा कि वो बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को ODI में, क्योंकि जितना लॉन्ग फॉर्मेट होगा उतनी मुश्किलें होंगी इन टीमों को, जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन टीमों को दिक्कत होती है जितना लॉन्ग फॉर्मेट होगा। तो कहीं ना कहीं देखें आप, शॉक मत हो जाइएगा आने वाले टाइम में कि जब नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका हो, अगर हुआ नीदरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश होगा, कई टक्कर देखने को मिलेगी। इस बात की डेली क्रिकेट अभी कह रहा है कि कई टक्कर देखने को मिलेगी, जी हाँ, आंखें खुली रह जाएंगी, हमें ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये लड़के बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस जो इन्होंने किया है यहाँ, जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा। मेरा एक सवाल जाते हैं आपसे ये है कि आयरलैंड अब जल्दी से क्या करें, पुराने प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं आयरलैंड के, तो आयरलैंड ऐसा क्या करे अब जो परफॉर्मेंस थोड़ा देखने में सुधार देखने को मिले, क्योंकि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो आम देश नहीं रहा, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इसे इज्जत भी बचानी है अपनी टेस्ट की। क्या करे आयरलैंड अब इस बहुत ही बुरे हाल से? जी हाँ, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आई क्यों है। जैसे कि हमने कहा कि उनके बड़े प्लेयर्स चल नहीं रहे, सबसे बड़ी बात तो उनको फॉर्म में आना होगा,
फॉर्म उन्हें कैसे ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, ये उन पर डिपेंड करता है। यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान होता है कि उन्हें चलना होगा चलना होगा, फॉर्म उन्हें ढूंढने की जरूरत है कि वो किस तरह से फॉर्म में वापसी लाते हैं। नेट पे प्रैक्टिस करके फॉर्म नहीं आती है, फॉर्म आपको मैच में ही मिलेगा। जी हाँ, काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं, हमारी भी यही राय है, आप नेट पे प्रैक्टिस करके फॉर्म आपने हासिल नहीं कर सकते, आपको परफॉर्मेंस तो उसी 22 गज के पिच पे ही करके दिखाना होगा। आप बड़े प्लेयर्स हैं, यहाँ हमारा इशारा है केविन ओब्रायन और बेलविन की तरफ। जी हाँ, इनको अब पैसा पकड़ना होगा, अपने फॉर्म में आना होगा। दूसरी बात, हर बार आपको बेलविन या फिर पॉल स्टर्लिंग और केविन ओब्रायन चल के रन नहीं मारेंगे, नीचे जो यंग प्लेयर्स को लिया जा रहा है उनको भी स्टेप अप करने की जरूरत है। आपको कुछ कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, आपको नीदरलैंड सीखने की जरूरत है, जिस टीम से आप हार के ये सीरीज जा रहे हैं और पॉइंट्स गवा के जा रहे हैं, कि उस टीम ने किस तरह से यंग प्लेयर्स के साथ परफॉर्म किया, उनके एक यंग प्लेयर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है इस सीरीज में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी हार से सीख सकते हैं, सामने वाली टीम के प्लेयर्स से सीख सकते हैं। तो यही है कि आप पूरी तरह से अपने पुराने प्लेयर्स के फॉर्म पे भी भरोसा नहीं रख सकते कि आप हर बार वही आपको रन मार के देंगे, तो फिर आपको टीम में लेने का मतलब क्या है, तो फिर नए टैलेंट को मौका देने का मतलब क्या है। यही हम कहना चाहेंगे एट दैट कि आयरलैंड को बैटिंग को मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग वर्क करने की जरूरत है। बॉलिंग में फिर भी ठीक ठाक है, चल जाएगा, लेकिन बैटिंग में काफी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आयरलैंड 200 पार नहीं कर पाए ये जान के बहुत ज्यादा शॉक होता है, लेकिन नीदरलैंड ने दोनों बार डिफेंड कर दिया, ये बहुत काबिले तारीफ है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार स्पोर्ट्स अपडेट एनालिसिस आते रहते हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन नीदरलैंड्स टीम को, बहुत जबरदस्त ये जीत है, और आपको सुपर लीग में पॉइंट्स भी मिले हैं और ज्यादा मिले हैं, इससे बहुत बहुत आपको एक बूस्टर मिलेगा, आपकी टीम के लिए जबरदस्त है, और पीटर सिलार हम आपकी कप्तानी को भी दाद देते हैं। और आयरलैंड के लिए यही कहेंगे जो भी हमने कहा, अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है, अगर आप सुन रहे हैं, जरूर पहुंचे, प्लीज पहुंचे, इस चीज पे गौर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।